सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज की ये पत्रकार वार्ता हाथरस की गुड़िया के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके समाज के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बातचीत करने के लिए बुलाई गई है। इस पूरे मामले को, इतने बड़े मामले को, जिस तरह से योगी जी आरोपियों को बचाने में जुटे हुए हैं, जिस तरह से इस पूरे मामले को डाइल्यूट किया जा रहा है, मैं एक खबर आपको दिखाना चाहता हूं। आज जो प्रकाशित हुई है, और ये खबर क्या कह रही है ये आप देखिए, शर्म आती है। इस तरह से शर्म आती है कि इस तरह का युवती की मां और उसके भाई को ही हाथरस की गुड़िया में के मामले में हत्यारा बताने की कोशिश की जा रही है। यानी जिसका परिवार न्याय के लिए तड़प रहा है, जिसका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसके पक्ष में पूरा देश खड़ा हुआ है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस गुड़िया की मां ने और भाई ने ही हत्या की। और इस घटना से और पिछले जो दो चार दिनों से चल रहा है, इससे मन बहुत आहत है। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, आपको दलित समाज से इतनी नफरत क्यों है? क्यों आप उनको इतना अपमानित कर रहे हैं? उनका दोष क्या है? उनका अपराध क्या है? वाल्मीकि समाज हो, जाटव समाज हो, सोनकर समाज हो, आज वो पूरे देश में आक्रोशित है, गुस्से में है, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी योगी जी आप उनको न्याय नहीं दे रहे हैं। उनके पक्ष में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे, मीडिया में भी इसको लेकर आवाज उठी, और आप उल्टा उसी परिवार को फंसाने पे लग गए। शर्म आती है योगी जी, शर्म आती है कि जो गुड़िया चीख चीख कर दरिंदों का नाम बताकर इस दुनिया से गई, आज उसका चरित्र हनन किया जा रहा है। चरित्र हनन, शर्म आती है। मैं दो बातें सिर्फ कहना चाहता हूं, दो बातों से आपको पूरी बात समझ में